दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप जानते हैं विष्णु जी क्यों अपने ऊपर चलाए थे सुदर्शन चक्र? दोस्तों सतयुग में बाणेश्वर नामक एक असुर को शिव कुमारी कन्या से वध होने का वरदान ब्रह्मा जी से मिला था। बाणेश्वर अपनी शक्ति से देवताओं को तंग करने लगता है। पूरे देवता देवी पराशक्ति का आराधना करते हैं, जिससे देवी प्रसन्न होकर बाणेश्वर का वध करने के लिए देवी कुमारी के रूप में जन्म लेती है। देवी कुमारी जो कि देवी पार्वती का वंश थी, उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का वरदान पा लेती है। भगवान शिव जब देवी कुमारी से शादी करने के लिए निकलते हैं, तब सारे देवता सोचते हैं कि अगर देवी कुमारी शादी करेंगे तो वह तो कुमारी नहीं रहेंगे, तो फिर बाणेश्वर का वध कैसे होगा। फिर सारे देवता विष्णु जी को सारे बात बताते हैं। फिर विष्णु जी भगवान शिव के सम्मुख आकर उनको देवी कुमारी से शादी नहीं करने का विनती करते हैं और बोलते हैं, अगर आप मेरे प्रार्थना नहीं रखेंगे तो मुझे सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ेगा। भगवान शिव बोलते हैं, क्या तुम मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र चलाओगे? भगवान विष्णु बोलते हैं, मैं अपनी आराध्य के ऊपर भला सुदर्शन चक्र से कैसे प्रहार कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर चलाऊंगा। इतना कहकर विष्णु जी सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं खुद का वध करने के लिए। विष्णु जी बोलते हैं, हे भोलेनाथ, अब आप सुदर्शन चक्र से मुझे बचाएंगे कि देवी कुमारी से शादी करने जाएंगे, ये आपकी मर्जी है। फिर सदाशिव सुदर्शन चक्र को रोक कर विष्णु जी की जान बचा लेते हैं, इसीलिए भगवान शिव शादी के लिए नहीं गए। उधर बाणासुर को कुमारी कन्या की सुंदरता के बारे में पता चला। उसने उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की, जिसे उन्होंने मना कर दिया। बाणासुर उन्हें बलपूर्वक जीतकर उनसे शादी करना चाहा। इस पर दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाणासुर मारा गया। दोस्तों इस तरह से उस अत्याचारी की मृत्यु हुई। दोस्तों ऐसे माना जाता है कि इसीलिए इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा। दोस्तों अगर आप लोग भी भगवान शिव का भक्त हो तो कमेंट्स में जय शिव शंकर लिखना मत भूलना। नमस्कार।